आज से 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर लेट हैवी बम्बार्डमेंट का दौर शुरू हुआ। इस दौरान हजारों की संख्या में उल्कापिंड पृथ्वी से आ टकराए। खगोलविदों के अनुसार इन्हीं उल्कापिंडों के कारण धरती को पानी की सौगात मिली है, मगर तब की धरती अत्यधिक गर्म थी, जिस कारण ये पानी वाष्प अवस्था में ही पृथ्वी पर लंबे समय तक मौजूद रहा। आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान इतना कम हो गया कि यह पानी तरल अवस्था में पृथ्वी की सतह पर इकट्ठा होने लगा और पृथ्वी पर पहले विशालकाय महासागरों या फिर समुद्रों का निर्माण हुआ। उसमें समुद्रों का पानी पीने लायक था, मगर धीरे धीरे समय के साथ समुद्रों का पानी खारा होता गया और आज के समय में हम इस पानी को पी नहीं सकते। आज पृथ्वी के 71% हिस्से पर पानी होने के बावजूद आने वाले कुछ दशकों में समूचे विश्व को विकट जल संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम जानेंगे कि क्या हो अगर समुद्रों का पानी फिर से पीने लायक हो जाए और आखिर ऐसी क्या वजह है जिस कारण ये पानी इतना खारा होता है। चलिए जानते हैं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी इन्फॉर्मेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समुद्रों का पानी इतना खारा क्यों होता है। जैसा कि हमने पहले जाना, आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पहले समुद्र बने। इसके बाद वाटर साइकिल वजूद में आ गई और धरती पर बारिशों का दौर शुरू हो गया। जब भी सूर्य की गर्मी से बाष्प होकर पानी ऊपर की तरफ उठता तो वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आने से थोड़ा सा एसिडिक हो जाता, और जब ये पानी बारिश बनकर वापस सतह पर गिरता तो एसिडिक नेचर होने के कारण ये पृथ्वी की सतह पर मौजूद मिनरल्स को भी अपने साथ बहाकर वापस समुद्र में ले जाता, जिस कारण समुद्र का पानी धीरे धीरे लवणीय होता रहा। इसके साथ साथ समुद्री सतह पर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखियों से निकलने वाले मिनरल्स भी पानी में घुल जाते हैं और समुद्री जल को और खारा करते रहते हैं। अरबों वर्ष से चली आ रही इस प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे समुद्रों का पानी खारा हो गया और अब पृथ्वी पर स्वच्छ जल की कमी होने लगी है। अब जानते हैं कि क्या हो अगर समुद्रों का पानी फिर से पीने लायक हो जाए। दोस्तों, इससे सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अब दुनिया भर से जल संकट खत्म हो जाएगा और शायद आपको पानी बचाने या फिर पानी व्यर्थ ना करने वाले होर्डिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट देखने को ना मिले। आप जितना चाहे उतने पानी का यूज कर सकते हैं। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है, मगर दोस्तों वास्तव में समुद्र में आए इस बदलाव के कई बुरे परिणाम होंगे। जैसे कि पृथ्वी के लगभग 60 से 70% जीवों की प्रजातियां समुद्रों में पाई जाती हैं और उनमें से ज्यादातर जीव खारे पानी के बिना जीवित नहीं रह पाते। समुद्री जल से खारापन गायब होने से ये सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जिससे मरीन लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और सी फूड में कमी आने के कारण हमारी आहार श्रृंखला में भी बड़े बदलाव होंगे। एक स्टडी के मुताबिक पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का 40% हिस्सा समुद्रों में पाई जाने वाली एल्गीज फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस करती हैं, और ये एल्गीज खारे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, और बिना खारे पानी के हम पृथ्वी का काफी ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट खो देंगे जो कि इंसानों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, महासागरों का खारा पानी हमारी जलवायु को गढ़ने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने महासागरीय जल धाराओं के बारे में तो सुना ही होगा, खासकर गल्फ स्ट्रीम के बारे में। ये गर्म पानी की महासागरीय जलधारा पृथ्वी के काफी बड़े हिस्से को गर्म रखने में मदद करती है। आप आई बटन में क्लिक करके इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। सूर्य की गर्मी और पानी में नमक से पैदा डेंसिटी डिफरेंस के कारण ही ये जलधाराएं बनती हैं। ऐसे में बिना खारे पानी के ये जलधाराएं अपना वजूद खो देंगी, जिससे हमें पृथ्वी पर बड़े जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये कुछ संभावित घटनाएं हैं जो कि समुद्रों में आए इस बड़े बदलाव के कारण घटित हो सकती हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।